राम मंदिर के इतिहास के प्रमाण की खोज करने वाले इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने दावा किया है कि दिल्ली स्थित कुतुब मीनार के पास कुवतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 27 मंदिरों को तोड़कर किया गया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के पास भी कई मंदिरों के अवशेष मिले हैं, जिसमें गणेश मंदिर भी शामिल है। इससे सिद्ध होता है कि वहां गणेश मंदिर थे। उन्होंने कहा कि कुतुब मीनार के पास गणेश जी की एक नहीं कई और भी मूर्तियां मिली हैं। ये पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। उन्होंने बताया कि वहां लगभग 27 मंदिरों को कुवतुल इस्लाम मस्जिद बनाने के लिए पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। मंदिरों को तोड़ने के बाद जो पत्थर निकले उससे कुवतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई थी। इतना ही नहीं, उस जगह पर अरबी में लिखे अभिलेखों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है, जिसमें लिखा है कि 27 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। के मोहम्मद ने बताया कि कुतुब मीनार सिर्फ भारत में ही नहीं बनाया गया, बल्कि इससे पहले समरकंद और गुफारा में भी बनाया गया था। उन्होंने जो कहा है वो मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति के बारे में, सिर्फ गणेश जी की मूर्ति के बारे में है। तो गणेश जी की वो तो सिर्फ एक मूर्ति नहीं, वहाँ अनेक मूर्तियां हैं। दैट वाज द कैपिटल ऑफ द चौहान। चौहान जो भी जितने भी थे वो पृथ्वीराज चौहान के कैपिटल था, वो पूरे के पूरे ही थे। एंड देयर वर 27 टेंपल्स आल्सो। तो इन्होंने ये कुवतुल इस्लाम मस्जिद बनाने के लिए वो 27 टेंपल को पूरे की पूरा जगह नष्ट किया है और उसी पत्थर रीयूज करके उन्होंने मस्जिद बनाया। वो कुवतुल इस्लाम मस्जिद है एंड देयर इज एन अरबिक इंस्क्रिप्शन भी है उसके सामने, जिसे लेकर सामने एक ये भी इंस्क्रिप्शन भी है अरबिक में। उसमें भी उन्होंने कहा कि 27 मंदिर को तोड़ के हम लोगों ने ये मस्जिद बनाया। फिर एक किताब है ताजुल महासिर, तो उसमें भी ये लिखा है। ये एक हिस्टोरिकल सही बात है, लेकिन जो कुतुब मीनार है वो अलग है। वो तो कुतुब मीनार तो बगल थे एंड दैट इज अ फुल्ली इस्लामिक कंसेप्ट। ये कुतुब मीनार यहाँ बनाने के पहले इन्होंने ताजा सियापुर में बनाया था, समरकंद में बनाया था, बुखारा में बनाया था। सो दैट इज फुल्ली एन इस्लामिक कंसेप्ट, बट एट द सेम टाइम दे हैव बिल्ट इट After destroying a number of temples, वो उनका कहना ये था कि ये जगह कई जगह पे बिखरे पड़े हुए, इसको या तो एक म्यूजियम बना दीजिएगा म्यूजियम बना दीजिएगा या इसको नेशनल म्यूजियम में ले जाके रखिएगा। दोनों से ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। के मोहम्मद आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व रीजनल डायरेक्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले इस बात का पता लगाया था कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष हैं। उनका रिसर्च पहली बार 1990 में प्रकाशित हुआ था। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसमें के मोहम्मद के रिसर्च की अहम भूमिका रही है।